प्यारे भाई और बहन मन, बीते शिक्षा में हमरे मन ई पवित्र बाइबल के साधारण परिचय के सुन ली। आज मैं पुराना नियम के पहला भाग जेके हमरे पांच ग्रंथ कहिला उकार शिक्षा देख जात हूँ। पांच ग्रंथ में पांच ठो पुस्तक का बेला उत्पत्ति ग्रंथ, निर्गमन ग्रंथ, लेवी पुस्तक, गणना पुस्तक और विधि विवरण पुस्तक। ये पांच पुस्तक के हमरे पांच ग्रंथ कहा थी, लेकिन यहूदी मानी के तोरा चाहे हिंदी में तौरात नाम दे रहा है। और यहूदी मान लगिन ये पांचों पुस्तक एक विशेष ठाव लगेला। तोरा केर माने ही के मन के लगिन शिक्षा, चाहे निर्देश, चाहे इंस्ट्रक्शन अंग्रेजी में कहब। और से लगिन यहूदी मन के सोच रहलक ई तोरा टू ईश्वर के साथ के संबंध जे के हमरे विधान कहिला, विधान के साथ में जोड़ा रहलक। और ईश्वर अलग अलग समय में अलग अलग आदिमन संगे ये विधान के राख के अपन प्रजा के साथ में संबंध के आगे बढ़ा लाएं। विधान के आधार में हमरे तीन भाग देखिला, तीन टू पॉइंट हमरे देखिला। पहला ही कि ईश्वर बचाव के लगिन वचन देवेना, और दूसरा ही के आदमी मन ठिल्ले ओहे बचाव के आधार में आसरा कराएना, और तीसरा ही के विधान के एक चिन्ह रखा जाएला जे येद करवाएला। तो चलो हमरे मान पहला पुस्तक जेके हमरे कहा थी उत्पत्ति ग्रंथ, वो आधार में हमरे मूल शिक्षा मन के जाने कोशिश करब। उत्पत्ति ग्रंथ के हमरे मूल तौर से दुई भाग करेक परब, एक से ग्यारह अध्याय और बारह से पचास अध्याय तक। पहला भाग में हमरे मन जे के एक से ग्यारह अध्याय इकर में हमरे दुनिया के सृष्टि और आदिमन के सृष्टि के बारे सुनीला। और ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लिखल ना लगे, लेकिन धार्मिक तौर से यानि ईश्वरीय सोच से आदिमन के शिक्षा देख लगे लिखल जाए। से लगिन हिया जे सात दिन के सृष्टि कथा है इके हमरे के विज्ञान के सोच विचार से देखे के नाखे, लेकिन धार्मिक लेखक मन का सोच ले के चाहे का शिक्षा दे सोच लाएं उके हमरे के देखे कहे। तो हमरे सबसे पहले देखिला आदम और हेवा के सृष्टि के साथ में ईश्वर उमन के साथ में विधान बना लाएं रख लाएं, और वो रहला के उमन सृष्टि के देखभाल करवाएं, लेकिन उमन ईश्वर के इच्छा के विरुद्ध गलाएं। दूसरा में हमरे देखिला नुआस के समय में आदिमन ईश्वर के इच्छा के विरुद्ध गलाएं। से लगिन प्रभु परमेश्वर जल प्रलय के साथ में आदिमन के जे डहर से सच्चाई डहर से अलग हो जल उमन के नाश कर लाएं, लेकिन नुआस के परिवार के साथ में और एक नया कहा नया वंश शुरू कर लाए। तो यह लिखे हमरे देखिला ईश्वर और नुआस के साथ में विधान होलक। वो विधान में ईश्वर कहे ना कि मोय और मानवा जैत के ऐसे नष्ट नहीं करबो, शकर लगिन वो इंद्र धनुष के दिलाएं। हमरे ये पहला भाग में देखिला यह लिखे कुछ पुराना बात माना है, लेकिन दूसरा भाग ही के बारह अध्याय से शुरू होला इके हमरे कहा पुरखा मन के इतिहास, पूर्वज मन के इतिहास। ये पूर्वज मन हिकाएं अब्राहम, इसाक, याकूब और याकूब के बारह बेटा मन। और इस भाग में हमरे मन देखिला ईश्वर
अब्राहम के साथ में भी विधान स्थापन कर लाए। और वो जब भी अब्राहम और उनका पत्नी सारा के छव पुता नहीं रह लाए, लेकिन ईश्वर उमन के करार कर लाए, उमन के प्रतिज्ञा कर लाए कि उमन के एक देश देवाए, एक जगह देवाए, एक जमीन देवाए, और साथ में उमन के परिवार में बहुत भरी संख्या के संतान संतति मन के देवाए। और ई का जरिए से दुनिया के सब आदिमान के आशीष मिले। तो यह लिखे करार के वचन के ईश्वर अब्राहम संगे कर लाए और उके इसाक संगे भी और पछे याकूब संगे भी करते गए। तो हमने देखा थी ईश्वर और विश्वासी मन के चाहे अब्राहम के वंशवार मन के साथ में संबंध स्थापित होते गलक। उत्पत्ति ग्रंथ में हमरे मन देखिला यह लेखे ईश्वर के विधान के शुरुआत होलक। लेकिन आगे चल के हमरे दूसरा पुस्तक जिया है निर्गमन पुस्तक। ये निर्गमन पुस्तक में हमरे इसराइल जे मन मिसर देश में गुलामी रह लाए वो गुलामी से छुटकारा होय के घटना के हमरे मन सुनीला और पढ़िला। इसराइल लीमान मिसर देश में करीब 400 साल के समय हुआ रह लाए और फराव राजा मन के गुलामी बन गए। काम करे में और रकम रकम के हिसाब से फराव राजा मन के गुलामी बन गए। उमान यहाँ से भागे खोज लाए लेकिन भागे नहीं पड़ लाए अपन इच्छा से। ईश्वर के योजना अनुसार मूसा नबी के वह समय में चुनाव होलक। ईश्वर के चुनलाए और उनका जरिए से उमान मिसर देश से फराव राजा के गुलामी से उमान छुटकारा पलाए। कैसे उमान मूसा नबी के अगुवाई से छुटकारा पलाए उकर बारे हमरे मन सुनीला लिखाला है निर्गमन ग्रंथ के 12 अध्याय में। जेके हमरे खान कहिला उमन के लगिन जे छुटकारा के घटना होला को के हमरे पास का पराप कहिला उकर बारे हुए ही वर्णन रहे। और उकर पाछे हमरे देखिला इसराइली मन मिसर देश से आए के मूसा नबी के अगुवाई से उमन सिनै पहाड़ बटे जाए ना। सिनै पहाड़ ऊपर ईश्वर मूसा नबी के जरिए अपन प्रजा यानी इसराइली मन के साथ में विधान के ठहराए ना। और हुआ उमन के यह कहे ना दास नियम देख के कि मोए तुहार प्रभु ही को, मोए तुहार ईश्वर ही को, मौके छोड़ के तोहरे और दूसरा मन के दूसरा देवी देवता के सेवा ना करवा। और से लेके परिवार और पड़ोसी मन के बीच में जियक लगिन उमन के हुकुम मान दिलाए। तो इके हमरे 19 अध्याय में पाविला और दूसरा भाग में चाहे दूसरा अध्याय मान में हमरे पाविला उमन के कैसेन ईश्वर के इच्छानुसार जियक चालक होवी। तो ई तो निर्गमन ग्रंथ के गोटे विशेष घटना ही के बंधन से चाहे दासत्व से चाहे गुलामी से छुटकारा पावेक ई उमन के मान में रह गेलक। और उमन अनुभव कर लाए कि ईश्वर उमन के ई घटना में मदद कई रहें, ईश्वर के सहायता से उमन छुटकारा पाए। पांच ग्रंथ के तीसरा पुस्तक ही के लेवी पुस्तक। और ये पुस्तक में विषय अनुसार हमने देखा उमन के बलिदान चढ़ा के रीति रिवाज पुरोहितई और शुद्ध अशुद्ध के सोच लेके जीवन बिताए के बारे में लिखा ला है। मुख्य बात रहला प्रभु ईश्वर उमन के कहलाए मोए जैसे पवित्र रहो तोहरे भी मोर पवित्र प्रजा तोहरे भी प्रजा हिसाब से एक पवित्र प्रजा बन जावा। से लगिन उमन के शिक्षा दियाल जा है कैसे उमन खेती बाड़ी के कमाई से खेती बाड़ी के फल के उमन बलिदान चढ़ावाए, पशु बलिदान कैसे उमन चढ़ावाए, ये सब के बारे लिखाला है। पाप क्षमा पाए के लगिन चाहे ईश्वर से कृपा पाए के लगिन। फिर पुरोहित
चाहे लेवी गोष्ठी पुरोहित गोष्ठी रहलक सकर से उमान के बारे बहुत लंबा चौड़ा लिखल है जकर से कि उमान ईश्वर और इसराइली जनता के बीच में उमान बिचुआई करवाए। आखिरी भाग में लिखल है शुद्ध अशुद्ध के चीज चाहे जिनिस मान ईश्वर उमान के यह शिक्षा दिलाए कि जे चीज मान अशुद्ध ही के उमान से उमान के छू उमान के दूर रहक चाहिए और जे चीज मन शुद्ध के उके व्यवहार करे चाहिए। ये लेके हमरे लेवी पुस्तक में सुनीला और लेवी पुस्तक के विषय वस्तु के कैसन उमान ईश्वर के प्रजा हिसाब से पवित्र बन के चलवाएं। गणना ग्रंथ के पांच ग्रंथ के चौथा पुस्तक हमरे अंग्रेजी में के नंबर्स कहिला गणना नाम दियाल गेलक कारण कि इसराइली मान के 12 गोष्ठी के हुआ गिनती होलक से कारण से पुस्तक के नाम के गणना ग्रंथ रखल जा है। ये पुस्तक के विषय वस्तु ही के इसराइली मान कैसन सिनै पहाड़ के पाछे चाहे सिनै पहाड़ से विदा लेवाल पाछे एक जगह रहलक उस जगह के नाम रहलक कादेश बर्निया। हुआ से उमान कैसन परान गेलै और परान से उमान मोआब गेलै यानी इसराइली मान के मरुभूमि के यात्रा के बारे हिया बखाना है और ये यात्रा एक साल की दुई साल नहीं लगलक लेकिन 40 साल लगलक। 40 साल यह लगे लगलक कि उमान ईश्वर के इच्छा अनुसार उमान नहीं चलना है और ईश्वर के शक्ति में उमन संदेह कर लाए से लगिन उमन के दक्षिण भर से प्रतिज्ञा के प्रदेश के ढुके नहीं होलक लेकिन उमन बुइल के जर्दन के रूपार जाए के उमन प्रतिज्ञा के देश के बटे गेलाए। तो से लगिन पुस्तक में उमन के अविश्वास कहब चाहे उमन के यात्रा कहब और मूसा नबी के विरुद्ध में उमन जे गुठिया लाए काम कर लाए उस सब के बारे बनाना है लेकिन आखिरी में उमन के हिसाब किताब लगल गलक कारण कि 40 साल के भीतर में ढेर मान मोर जा रहा है ढेर मान जे मान छोट रहा मन बढ़ रहा है और से कारण से ई गोट जरूरत रहलक उमन के बीच में उमन कितना संख्या में रहा है उके हिसाब करे। तो ये भाग में हमरे मान मरुभूमि में यात्रा के बारे सुनीला। पांचवा पुस्तक ही के विधि विवरण पुस्तक अंग्रेजी में कहिला डिट्रोनॉमी। ये पुस्तक के डिट्रोनॉमी दिया जाए अंग्रेजी में नाम यह लगिन कि दूसरा बेर लगिन दास नियम के यहाँ भी और एक बेर लिखाला है से कारण से के विधि विवरण हिंदी में लेकिन अंग्रेजी में डिट्रोनॉमी कहल जा है। तो ये पुस्तक गोटेक उपदेश देवे के ढांचा में लिखल जा है यानी मूसा नबी आखिरी बेर लगिन उमान के शिक्षा दिलाएं उपदेश दिलाएं कि कैसन जखन उमान प्रतिज्ञा के प्रदेश में ढुकबाएं उमान से समय उमान के व्यवहार उमान के विश्वास चाहे उमान के चले के ढांचा कैसन होइक चाहिए यह लिखे उमान के फिर से शिक्षा दे हैं। ये पुस्तक में हमरे 6:4-5 में पाविला उमान के विश्वास के ठोस बात जेके यहूदी मान शमा इसराइल कहें ना अपन भाषा में लेकिन हमरे हिंदी में कहे पर आप सुनो इसराइल और सुनो इसराइल बिनती प्रार्थना सोब दिन उमानु के दोहरात रहला है और हुआ लिखा ला है एक ईश्वर ऊपर विश्वास करेक एक ईश्वर ऊपर विश्वास करेक सारे दिल से सारे मान से सारे शक्ति से और इगोट उमान के बार गोटे विश्वास के बात रहलक। तो यह आधार में उमान के आगे भी चलक लगिन शिक्षा दियाल गलक। तो विधि विवरण ग्रंथ में और लिखल जा है कि यदि उमन विधान के अनुसार चलवाए उमन के आशीर्वाद मिले और विधान के अनुसार यदि नहीं चलवाए उमन के सजाई मिले और यह आधार में हमने 30 अध्याय में भी पाविला उमन के कहल जा है तोहरे मन चुना जीवन के चुनबा कि मरण के चुनबा तोहरे के ऊपर है तोहरे यदि अपने के बेस चलाबा आज्ञाकारी होबा तो आशीर्वाद पाबा
और आज्ञाकारी नहीं होबा तो तोहरे के अभिशाप मिली, तोहरे के सजाई मिली। यह लिखे उमान के शिक्षा और उपदेश के तौर से मूसा नबी उमान के शिक्षा दे हैं। मूसा नबी आखिरी बटे के आखिरी बटे हमने सुनीला उकर मारन होला, लेकिन मूसा नबी के पाछे जोशुआ उमान के अगुवाई करे लगिन चुनाल गेलें। से कारण से जोशुआ के बारे हमरे सुनीला और ऊ पाछे प्रतिज्ञा देश के ढुके के बेरा ऊ अगुवाई कर लें। ख्रिस्त में भाई और बहन मन, हमरे ई पांच ग्रंथ पुस्तक के हमरे सुनली यहूदी मन इके तोरा कहे ना, और वस्ता में इकार अनुवाद भी कराल जाए नियम, लेकिन नियम अनुवाद तो उतना सही तो नहीं होएला। असल में गोट गोट एक शिक्षा के पुस्तक के, और इसराइली मन ईश्वर के साथ में कैसे संबंध के जोड़ के रख रहे हैं, यानी विधान के अनुसार मन चल रहे हैं, ये आधार में लिखल जाए उमन के अनुभव के उमन के घटना के। और इसराइली मन अनुभव कर लाए कि ईश्वर उमन के कितना मदद कर लाए, जेखन उमन मुश्किल में रह लाए चाहे जेखन उमन गुलामी में रह लाए, प्रभु ईश्वर है उमन के हुआ से निकला लाए। से लेकिन ईश्वर ऊपर विश्वास के एक घटना चाहे इतिहास लिखल जाए, और ये भाग में हमरे कहक परब इसराइली मन के विश्वास के गोटे यात्रा शुरू हैला। ये भाग में ये पांच ग्रंथ के पांचों पुस्तक के मिला के हमरे देख पड़ा कैसे इसराइली मन प्रभु के प्रजा होलाएं, और कैसे प्रभु के प्रजा हो के जिए और चालक लगे उमान के शिक्षा और निर्देश दियाल जाए।